हेलो 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 गाइस, अब आवाज़ आ रही है। हेलो 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 दोस्त, आवाज़ आ रही है। अब आवाज़ हेलो 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 गाइस, आवाज़ आ रही है। अब देखिए जरा एक बार चेक करिए। हेलो 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 हेलो, एक बार लिख दीजिए। यस सर यस सर यस सर, अब आवाज़ क्लियर है। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है दोस्त, सब क्लियर है। चलिए फाइनली क्लियर है, आवाज आ गई है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर डेज का डिस्कशन करेंगे गाइज। अभी तक हम लोगों ने 24 जनवरी तक के सारे डेज देख लिए। जैसे कि 1 जनवरी को हम लोगों ने बताया था ग्लोबल फैमिली डे, डीआरडीओ डे ऑब्जर्व किया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे रहता है, विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं इसे हम लोग, और 16वां इसका ये एडिशन रहा था। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, और जो हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है वो 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, ये 14 जनवरी को, और इंडियन आर्मी डे, ये 15 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। एनडीआरएफ ने अपना रेजिंग डे मनाया था 18 जनवरी को। 18 जनवरी को कौन सा रेजिंग डे? 15th रेजिंग डे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये 11 अक्टूबर को आता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये भी 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, 11 नवंबर को। ठीक है, क्लियर है दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं जरा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरा दोस्त, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये अराउंड 1726 पॉइंट्स है, ये डिस्कस करेंगे, देन फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस प्लीज पेशेंस रखिएगा, ठीक है। फॉर मनी ट्रांसफर सर्विसेज, फॉर मनी ट्रांसफर सर्विसेज, वेस्टर्न यूनियन कंपनी ने मनी ट्रांसफर सर्विसेज के लिए बेसिकली एक एग्रीमेंट या पार्टनरशिप की है एयरटेल पेमेंट के साथ। किसके साथ? एयरटेल पेमेंट के साथ। पॉइंट नंबर वन। नेक्स्ट यार,
इंडसइंड बैंक ने अनाउंस किया है कि वो एक पायनियर बैंकिंग करके अपना वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? पायनियर बैंकिंग विद एन एम टू बूस्ट फॉरेन इनफ्लो को बूस्ट करने के लिए जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसने डिसाइड किया, आरबीआई, जो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई उसने डिसाइड किया है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसकी लिमिट को बढ़ाकर 20% से कितना कर देंगे? 30% कर देंगे। पहले 20% हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर इन्होंने 30% कर दिया। किस चीज में? सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन है, उसके लिए बात की गई है। मतलब अगर कोई भी एफपीआई भारत में भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहता है तो वो 30% तक का निवेश कर सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया अ मल्टीलिंगुअल वॉइस बेस्ड इनेबल बैंकिंग एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय सिटी यूनियन बैंक। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया अ मल्टीलिंगुअल वॉइस इनेबल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक है, यही यूं सवाल बनेगा किस बैंक ने अभी हाल ही में वॉइस इनेबल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो गाइस आंसर बनता है यहां पर सिटी यूनियन बैंक ने। फर्स्ट टाइम इन इंडिया मल्टीलिंगुअल वॉइस इनेबल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड एंड इट इज लॉन्च्ड बाय सिटी यूनियन बैंक। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं, इसने डिसाइड किया कि खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करेगा। जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है उसने डिसाइड किया कि वो खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करेगा। किसमें मेरे भाई? स्मॉल फाइनेंस बैंक में। नेक्स्ट यार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने यहां पर 35.80 जो मिलियन, अराउंड 250 करोड़ यहां पर बात करते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट, ये यूं कहें लोन है, वो सुरीनाम को दिया। किसको दिया मेरे भाई? सुरीनाम को दिया है। तो सुरीनाम को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये यूं कहें भारत सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए? तो 250 करोड़ रुपए यहां पर दिए हैं। सुरीनाम की कैपिटल है परामरीवो और करेंसी यहां पर चलती है डॉलर। परामरीवो कैपिटल है, करेंसी यहां पर डॉलर चलती है। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन, शी हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चांसलर ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी इन बेलफेस्ट, आयरलैंड के बेलफेस्ट में क्यून यूनिवर्सिटी है, उसकी नई चांसलर कौन बनी? हिलेरी क्लिंटन। विपुल बिहारी शाह नोटेड केमिस्ट है। भाई ये सुनिएगा, इलेक्टेड, यार इंपॉर्टेंट क्यों है जरा देखना, सेकंड इंडियन बने आफ्टर सीएनआर राव, ये दूसरे भारतीय बने हैं जो कि इस पोजीशन पे अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है विपुल बिहारी शाह, जो कि एक नोटेड केमिस्ट हैं। इनको अभी हाल ही में इलेक्टेड एज द ब्यूरो मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC में ब्यूरो मेंबर के तौर पर किनको नियुक्त किया गया? विपुल बिहारी शाह को। आई थिंक गाइस क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर कौन बने हैं? युवराज मलिक। एम नागराज को अभी हाल ही में CMD नियुक्त किया है। किसका? हुडको का, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के CMD कौन बने हैं? एम नागराज साहब इसके CMD बने हैं। इंडियन जो साइंस कांग्रेस रही थी अभी, उसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। लेबर मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, जितनी भी कह सकते समस्याएं हैं, उनके स्पीडी रिजोल्यूशन के लिए, उसके रिड्रेसल के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इसका नाम क्या? संतुष्ट पोर्टल एंड इट इज लॉन्च बाय लेबर मिनिस्ट्री। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट यार, 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2021, ये कहां पर होगा? विशाखापट्टनम में होगा। फ्रांस की बात करते हैं तो जो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर फॉर द ईयर 2022 रहेगा, उसमें फ्रांस क्या रहेगा? ये गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री रहेगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ गंगा एंड वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन 2020, भैया ये पूरा एक इवेंट है जिसका नाम है गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन 2020, जो कि बेस्ड है किस थीम के ऊपर? कनेक्टिविटी के ऊपर, बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अब ये इवेंट कहां पर रहा था? सर ये न्यू दिल्ली में। इंडिया का फर्स्ट सुपर फैब लैब फैसिलिटी कहां पर इनॉग्रेट किया गया? केरल में इनॉग्रेट किया गया है। असम राइफल मिलिट्री यूनिट हैज कंस्ट्रक्टेड अ वॉर मेमोरियल वीर स्मृति इन नागालैंड। जो असम राइफल है उन्होंने एक वॉर मेमोरियल बनाया जिसका नाम है वीर स्मृति। कहां पर बनाया? नागालैंड में ये बनाया गया, नागालैंड में मेरे भाई बनाया गया है, ठीक है। इस उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूं कि दोस्त कहीं भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है दोस्त। तो भाई पेशेंस रखिए,
मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और डेफिनेटली आप यहां से सेटिस्फाइड होकर ही जाएंगे हमेशा की तरह। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है। एंटी राइट पुलिस व्हीकल इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम वज्र है। होलंगी एयरपोर्ट जल्द ही तैयार हो जाएगा, मतलब जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट एवर मतलब पहला इंटरनेशनल बायर सेलर मीट रहा था ऑन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट। तो भाई ऑन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर अभी जो बायर सेलर मीट रहा था ये कहां पर रहा था? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणा भूमि फर्स्ट हिंदी डेली लॉन्च इन अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश में जो फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया उसका नाम क्या? अरुणा भूमि। अरुणा भूमि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 2020 जो CISF है, CISF है वो 2020 को एज द ईयर ऑफ मोबिलिटी मना रहा है, एज द ईयर ऑफ मोबिलिटी मना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहां पर भैया बनेगा? कर्नाटक में बनेगा। नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच में भी एक्सरसाइज रही थी, वैसे ओमान के साथ इंडिया की एक और होती है इसका नाम है अल नागा और एक और है ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज ठीक है। जो कुट पुई फेस्टिवल मिजोरम में मनाया गया, जो कुट पुई फेस्टिवल मिजोरम में मनाया गया। ओके शुभम जैन यार कमेंट कर देना जो वीडियो के नीचे, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा सारी क्वेरी। इन मुंबई सुगर इंटेक वाज़ द हाईएस्ट। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी, ICMR की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें सुगर इंटेक के मामले में जो मुंबई है ना, मुंबई में सुगर इंटेक सबसे ज्यादा रहा है। NPCI ने एक ब्लॉकचेन इनेबल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम है वज्र। वज्र एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन आधारित एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम क्या? वज्र इसका नाम है। जोरन मिलनोविक की बात करें, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल है जागरेब और करेंसी यहां पर कूना चलती है, मुद्रा यहां पर कूना चलती है। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है टू शॉर्टलिस्ट माइग्रेंट फॉर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के लिए मतलब माइग्रेंट के लिए सिटीजनशिप के लिए शॉर्टलिस्ट करने वाला, मतलब कि सिटीजनशिप के लिए माइग्रेंट को शॉर्टलिस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्त उत्तर प्रदेश बना है। भाई सेशन पसंद आ रहा एक बार लाइक ठोक देना। अब बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यार, एक चीज और आप लोगों के लिए, जो बच्चे आरबीआई मेंस के लिए जा रहे हैं अगर वो ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी में कंटेंट पढ़ाया जाए और कंटेंट भी इंग्लिश हिंदी में रहे तो वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो प्योर इंग्लिश में कंटेंट चाहते हैं, प्योर इंग्लिश में कंटेंट एक्सप्लेनेशन, वो इस बैच को ले सकते हैं। दोनों के लिए कोड यूज करिएगा Y168, अप टू 60% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या ऐसे बच्चे जो SBI PO क्लर्क के लिए जा रहे हैं, SBI PO या क्लर्क के लिए जा रहे हैं और वो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर डिटेल में प्लस MCQs फॉर्म में डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब करना कंप्लीट चाहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, तो वो इस बैच को ले सकते हैं। 40 घंटे का बैच रहेगा और ये स्टार्ट हो रहा है 3rd of March से। अगेन कोड यूज करिएगा Y168, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा और अप टू 60% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरे भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज ऑफ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम का सवाल क्या बना था, ध्यान सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज देश को अभी समर्पित की हैं, या कह सकते हैं देश के लिए, मेरे भाई देश के लिए भी इनॉग्रेट की हैं। सवाल यह है ये किसकी लेबोरेटरी है, किसकी लेबोरेटरी है, ये सवाल पूछा गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इस तरीके से सवाल बना था। अपना आंसर बनता है DRDO की। ये किसकी है? DRDO की। मेरा सवाल कुछ अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज को देश को समर्पित किया, निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 का एक हिस्सा नहीं है? हरी अब फटाफट बताइए, इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? सर नीचे वाला स्टिकर भाई, हेलो ब्रो, ये नीचे जो टिकट चल रहा है उसे हटा दो यार, टिकट हटा दो दोस्त। हेलो, थैंक यू यार, ठीक है। सो गाइस यहां पर आंसर क्या बनेगा? आंसर बनता ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ नहीं है। सर लखनऊ नहीं है तो फिर कौन सा यार? लखनऊ नहीं है, 5 है ना सर, बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, 5वां कौन सा है दोस्त? ओके, लखनऊ नहीं है, ओके भाई लखनऊ नहीं है, मैंने मान लिया दोस्त, बट लखनऊ नहीं है तो फिर कौन सा है? कोलकाता इज वन अमंग देम। बहुत बढ़िया मेरे भाई,
कोलकाता इज वन अमंग देम। पांचवा कौन सा है? कोलकाता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी मदद या पूछताछ या शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है। इंडियन रेलवे हैज अनाउंस वन इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर फॉर एनी हेल्प इंक्वायरी एंड ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ड्यूरिंग ट्रेवल। सवाल यह है कि इस नंबर, ये नंबर कौन सा है? 129-1950, 139-112 या 117? दोस्त बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंडियन रेलवे, तो रेलवे मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, रेलवे मिनिस्टर का नाम याद रखना है, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर है भाई, अपने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, वाणिज्य मंत्री भी हैं, और भाई अपने सांसद कहां से? महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम क्या है? सर इनका नाम है विनोद कुमार यादव इज अ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम है विनोद कुमार यादव। अपना आंसर बनता है 139, ऑप्शन नंबर थ्री अपना राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट मेरे भाई, अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकेडमी की नींव रखी है? इन विच सिटी अमित शाह लेड दी फाउंडेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स अकेडमी, एनडीआरएफ अकेडमी की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो दोस्त आंसर बनता है, इसकी आधारशिला रखी गई नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। अमित शाह अपने गृह मंत्री होम मिनिस्टर हैं और गांधीनगर गुजरात इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है। नागपुर की बात करते हैं तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर, एमएसएमई मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर, इनका नाम है नितिन गडकरी, इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है नागपुर महाराष्ट्र। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में 103,184 करोड़ रुपए के जीएसटी राजस्व का सकल संग्रह किया गया, मतलब ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन अ मंथ ऑफ दिसंबर 2019 वाज 1,03,184 रहा था। अब यहां पर सवाल क्या है? बिजनेस विद लेस देन डैश एनुअल टर्नओवर विल नीड टू फाइल क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न। मतलब कहा गया है कि अगर किसी भी बिजनेस हाउस की बात करें, उसका एनुअल टर्नओवर अगर इतने से कम रहता है, कितने से कम, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको जो जीएसटी रिटर्न है ना, वो क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्त ये वाला। 18 जनवरी को एनडीआरएफ का रेजिंग डे, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो इंटरलिंक का ऐसे ही करते चलो। नागपुर में भैया नींव रखी गई है अकेडमी की, अमित शाह ने रखी थी। आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर 2, 5 करोड़। दोस्त कितना? 5 करोड़ यहां पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट ईयर, किस जिले में 5वीं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 आयोजित हुई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट 5th आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 ऑर्गेनाइज हुई है? गाइस आंसर बनता है, इट इज ऑर्गेनाइज इन लेह। कहां पर ऑर्गेनाइज हुई है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? तो ये लेह डिस्ट्रिक्ट में 5वीं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 रही। सिंपल शब्दों में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कहां पर रही थी? ये दोस्त लेह में रही थी। अगला सवाल सुनिएगा, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd जनवरी। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 2 जनवरी को मनाई गई। इस वर्ष ने गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई है? दिस ईयर मार्क दी विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह? दोस्त इसका आंसर दीजिए, ये इंटरेस्टिंग है। हरे अब गैस फटाफट आंसर दीजिएगा। ओके खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में, बहुत बढ़िया। खेलो इंडिया जो गेम्स रहे, 3rd खेलो इंडिया गेम्स, वो कहां पर रहे थे? असम के गुवाहाटी में रहे थे। या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुए? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहे हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। 353 बहुत बढ़िया, 353। किसको ESPN क्रिक इन्फो की एक दिवसीय और 2020 टीमों के कप्तान के रूप में चुना गया है? हु वॉज पिक्ड एज द कैप्टन ऑफ ESPN क्रिक इन्फोज ODI एंड 2020 टीम ऑफ द डिकेड? भाई मतलब बेसिकली बात करें, ESPN क्रिक इन्फो ODI और T20 का कैप्टन किनको चुना गया? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह या सौरव गांगुली? देखो महेंद्र सिंह धोनी को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर मास्टर कार्ड ने बना रखा है। रोहित शर्मा को ला लीगा जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है, उसने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब सवाल उठता है यहां पर कि यहां पर कैप्टन कौन बना है? एमएस धोनी महेंद्र सिंह धोनी, ओके
एम एस धोनी मेजोरिटी में आंसर, तो गाइज आंसर बनता महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट यार, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल शुरू की? मेरे काम की चीज सिर्फ इतनी बनती है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च साइबर सेफ वुमेन कैंपेन? भाई विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव अंडर विच अवेयरनेस कैंप्स विल बी हेल्ड अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग साइबर सेफ्टी? साइबर सेफ्टी के रिगार्डिंग यहां पर एक साइबर सेफ वुमेन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर बनता महाराष्ट्र के द्वारा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेगा, अभी जो थर्ड खेलो इंडिया गेम्स में जिस स्टेट ने मेडल टैली में टॉप किया उसका नाम है महाराष्ट्र। जो स्टेट मेडल टैली में टॉप पर रहा उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस शहर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन किया? इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर नित्यानंद राय इनॉग्रेटेड फोर्थ ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप? गाइस आंसर बनता है इट इज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया था? ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। सिंपल शब्दों में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर का नाम है नित्यानंद राय और इन्होंने नई दिल्ली में फोर्थ ऑल इंडिया रेडियो ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था। क्लियर है दोस्त यहां तक? अब आगे बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस शहर में, यार दोस्त शेयर वेयर कर दो फटाफट से, किस शहर में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने विश्व के सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? यह 50 फीट लंबी एक कांस की प्रतिमा है। इन विच सिटी गुजरात मुख्यमंत्री गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अनवील्स सेकेंड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द वर्ल्ड? मतलब विश्व की इनकी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसका अनावरण किया गया था कहां पर? अहमदाबाद में इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, अच्छा लोथल में क्या है? सर लोथल में एक मैरिटाइम म्यूजियम बनने जा रहा है जिसको बनाने के लिए भारत किसका सपोर्ट ले रहा है? पुर्तगाल का। इसकी कैपिटल है लिस्बन और करेंसी यहां पर यूरो चलती है। अहमदाबाद ही वो शहर जहां पर 31st काइट फेस्टिवल मनाया गया था। अहमदाबाद ही वो शहर जहां पर नमस्ते ट्रंप इवेंट रहा था और ये किस स्टेडियम में रहा था? मोटेरा स्टेडियम में, जिसका नाम बदलकर अब हो गया सरदार पटेल स्टेडियम। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट यार, इन विच स्टेट लाई हरोबा फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड बाय मणिपुरी मैथी कम्युनिटी सिंस एंशियंट टाइम्स? भाई देखो यहां पर मणिपुरी मैथी कम्युनिटी बना रही है तो इसका मतलब ये नहीं मणिपुर में ये हुआ है, ये एग्जैक्टली जो फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया गया था त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा में। भाई इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इसे, त्रिपुरा में। इन त्रिपुरा लाई हरोबा फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड। मेरे काम की चीज सिर्फ इतनी बनेगी, किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया गया? तो जो लाई हरोबा जो उत्सव है ये बेसिकली कहां पर मनाया गया था? ये त्रिपुरा में मनाया गया था दोस्तों, त्रिपुरा में। ठीक है, ओके, त्रिपुरा में। हाय शेफाली, विल यू मैं, बाप रे बाप, यहाँ तो छोड़ दो यार, कहीं तो छोड़ दो, इतने ज्यादा एडिक्टेड हो गए हो इन चीजों के। भैया मैरी मी, पहले सिलेक्शन ले लो। वो एक कौन सी मूवी का डायलॉग है भाई? सक्सेस के पीछे भागोगे ना तो सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा। फोकस करो मेरे भाई, चाहे कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो। उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम ठोकती है मेरे भाई, जो दुनिया का दस्तूर है, तो उगते हुए सूरज ही बनो। जब ढलने लगो फिर दोबारा सोचो कैसा उगना है, लेकिन उगते हुए सूरज बनो। दुनिया बड़ी डैश चीज है, समझ जाओ। सिर्फ ना एक सिंपल शब्द में बोलू ना, एवरीबडी सेल्फिश। दुनिया अपने काम के लिए आप लोगों से मतलब रखेगा, हर कोई बंदा अपने काम के लिए आपसे मतलब रखेगा। तो यहां पर सिर्फ इतना फोकस होकर काम करो कि भाई जो दुनिया अपने लिए मतलब रखती है, तुम अपने लिए सेल्फिश नहीं हो सकते। अपने लिए तो सेल्फिश हो, अपने कैरियर के लिए सेल्फिश हो, अपनी फैमिली के लिए सेल्फिश हो, अपनी जॉब के लिए सेल्फिश हो। समझ में आ रहा है ना? उसके लिए लॉयल रहो, उसके लिए डेडिकेटेड रहो। बस इतना काम करो ना, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। इधर उधर के चक्करों में मत रहा करो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं भाई। टेक्निकल टीम इधर उधर जो शादी वादी की बात किया, ब्लॉक ब्लॉक कर दिया करो इन्हें, ये फोकस नहीं करते हैं। हु इनॉग्रेटेड 28th एडिशन ऑफ एनुअल न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली? किसने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के 28वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ओके, जरा आंसर दीजिए। सच में यार दोस्त, अगर आप में टैलेंट है ना, आप खुद बढ़ते चले जाएंगे।
अब वो वक्त नहीं है स्पून फीडिंग का कि भाई जॉब नहीं आ रही है, कि ये नहीं हो रहा है, कि वो नहीं हो रहा है। भाई इतने काबिल तो बने कि हम लोग कुछ भी अर्न कर लें, पहले काबिल तो बने तब जाके बात करें। ठीक है, बात ऐसी करते हैं, किसने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के 28वें संस्करण का उद्घाटन किया? दोस्त आंसर बनता है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी हाल ही में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का उद्घाटन किया था और इसका एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा, इट वॉज द 28th एडिशन। रमेश पोखरियाल निशंक ये HRD मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है वो बनती है उत्तराखंड का हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये लोकसभा सांसद है। नेक्स्ट मेरे भाई, अंडर 21 पुरुष एकल वर्ग में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ रैंकिंग में मानव ठक्कर विश्व नंबर एक बन गए हैं। भाई टेक्निकल टीम मुझे एक मिनट हटा दीजिएगा। मानव ठक्कर हैज बिकम द वर्ल्ड नंबर वन इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग इन अंडर 21 मेन सिंगल्स कैटेगरी। ही इज फ्रॉम विच स्टेट, वह किस राज्य से है? हरी अब गाइस फटाफट से बताइए, मानव ठक्कर इज फ्रॉम विच स्टेट? मानव ठक्कर इज फ्रॉम विच स्टेट? झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। अभी यहाँ पर जो शो कर रहा है मानव ठक्कर का भाई विकीपीडिया पे, वो तो यहाँ पर गुजरात शो कर रहा है, यहाँ पर गुजरात, बट ऑप्शन में तो हमें गुजरात दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ही इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टीम एंड ही मानव ठक्कर वॉज वॉर्न इन राजकोट, गुजरात। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे आंसर यहाँ चार बता रहा है तो उत्तर प्रदेश काट दीजिए, यहाँ पर मानव ठक्कर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गुजरात, गुजरात। ठीक है, ये किस स्टेट से? मानव ठक्कर बेसिकली एक इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है, ही वॉज द पार्ट ऑफ इंडियन टीम फॉर इंडिया एट द 2018 एशियन गेम्स एंड मानव ठक्कर वॉज बॉर्न इन राजकोट, गुजरात। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात के राजकोट में। ठीक है, गुजरात के राजकोट में, तो इसे करेक्ट कर लेते हैं, पीडीएफ में मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। ठीक है, ये गुजरात में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट यार, CDS जनरल विपिन रावत ने 30 जून तक एयर डिफेंस कमांड बनाने का प्रस्ताव दिया है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इनका नाम है जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, और इन्होंने अभी प्रपोज किया है फॉर द क्रिएशन ऑफ द एयर डिफेंस कमांड बाय जून 30। व्हाट इज द टर्म लेंथ ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? जो CDS, देखो पहले CDS कौन बने? जनरल विपिन रावत बने, ये सभी के क्लियर है, बट दोस्त सवाल यहां पर उठता है कि जो CDS है उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक का रहेगा? तो दोस्त इनका कार्यकाल मैक्सिमम रहेगा 65 वर्ष का। मैक्सिमम कितने वर्ष का? 65 वर्ष का। ठीक है दोस्त, ओके ओके, भाई पसंद आ रहा तो एक बार लाइक करते चलिएगा, टेक्निकल टीम सामने ले आएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट। भाई टेक्निकल टीम टिकर तो नीचे नहीं काट रहा, जरा ऑप्शन 5 विजिबल है ना, ध्यान सुनना। यहां पर इंपॉर्टेंट बनती है ये आई स्टेम। सवाल सिर्फ इतना है कि हु हैज लॉन्च आई स्टेम पोर्टल? आई स्टेम पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? आई स्टेम पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप पोर्टल इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? निम्न में से किनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ओके, ओके, चोट कैसे लगी मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं यार, चोट वोट लगती रहती है, डैश को दर्द नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस फटाफट से लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मोदी जी के तो बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरे भाई आई स्टैम्प पोर्टल लॉन्च किया गया। विच डे वॉज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ब्रेल डे? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? देखो यार, ग्लोबल फैमिली डे 1 दिसंबर या DRDO डे 1 दिसंबर। ठीक है, अपना आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 5, 4 जनवरी। 4 जनवरी को हम लोगों ने वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया था, वर्ल्ड ब्रेल डे हम लोगों ने 4 जनवरी को मनाया, 14 नवंबर को, 11 अक्टूबर को और 5 नवंबर को। कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं? ओके, नेक्स्ट यार, कमारेड्डी जिले, यार इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, डेफिनेटली मुझे लगता है ये एग्जाम का पार्ट बन सकता है। कमारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड यूनिसेफ 2019 अवार्ड फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर। कमारेड्डी जिले ने जल स्वच्छता और स्वच्छता क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यूनिसेफ 2019 पुरस्कार प्राप्त किया है। यह किस राज्य का एक जिला है? फटाफट से आंसर करिए। ओके,
तेलंगाना, दस आंसर बनेगा यहाँ पर तेलंगाना। भाई आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन पे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ध्यान से निकल ना जाए, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट यार, इसरो द्वारा किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से PSLV C-48 पर किया गया। विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन PSLV C-48। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-48 है उससे किस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अभी लॉन्च किया गया था फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। रीसेट टू बी आर वन कार्टोसेट 3 बंग बंधु। यार ये तो बांग्लादेश की सैटेलाइट है, रावण ये श्रीलंका की है, ATR SS, जहां तक मेरे को एरिट्रिया की, ये एक बार जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जहां तक मुझे याद है एरिट्रिया की है। कार्टोसेट 3 तो इंडिया की है। अपना आंसर बनता है यहां पर RESET-2B-R1, इसको लॉन्च किया गया। RESET-2B-R1 को मेरे भाई अभी लॉन्च किया गया था, RESET-2B-R1। ठीक है, इसको रट लेना, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट यार दोस्त, ये वाला एक बार कंफ्यूजन है, ETRS ये किसकी सैटेलाइट है, आंसर करिएगा आराम से दोस्त। नेक्स्ट, सौरभ चौधरी ने भोपाल में 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सौरभ चौधरी इज फ्रॉम विच स्टेट, सौरभ चौधरी किस राज्य से हैं। दोस्त देखो, सबसे पहला सवाल तो यही बन सकता है कि सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। दूसरा सवाल, ये किस स्टेट से, तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट से, किस राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से है, उत्तर प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट मेरे भाई, भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है। इंडियन ऑलराउंडर इरफान पठान अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी। देखो इरफान पठान की बात करेंगे, बट इनसे पहले एक और चीज और मैं बता देता हूं, अभी प्रज्ञान ओझा ने, जो प्रज्ञान ओझा है, इन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। मतलब प्रज्ञान ओझा ने भी क्लियर कर दिया है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब प्रज्ञान ओझा के अलावा एक इरफान पठान, हरफन मूला खिलाड़ी ऑलराउंडर, इन्होंने भी अनाउंसमेंट करा कि ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। सवाल ये किस स्टेट से, आंसर है गुजरात। सर इथोपिया लॉन्चेस फर्स्ट सैटेलाइट, ओके ये इथोपिया की रही थी, ओके एरिट्रिया नहीं थी, इथोपिया थी, एक बार क्रॉस चेक और कर लेना, बच्चों ने कहा है इथोपिया है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट यहां पर जो आंसर बनेगा, ही इज फ्रॉम गुजरात, ये कहां से, गुजरात से है दोस्त। ठीक है भाई, बैच है ऑलरेडी बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। विच सिटी पुलिस विल स्टार्ट 3rd edition ऑफ इट्स सुकन्या प्रोजेक्ट। मेरे काम की चीज सिर्फ इतनी बनती है, किस शहर की पुलिस ने अभी हाल ही में सुकन्या प्रोजेक्ट शुरू किया था, किस शहर की पुलिस ने अभी हाल ही में सुकन्या परियोजना को भाई शुरू किया था, इसका तीसरा संस्करण शुरू किया, तो आंसर बनेगा यहां पर कोलकाता पुलिस ने अभी हाल ही में सुकन्या प्रोजेक्ट शुरू किया था। ETR इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ओके मेरे भाई। नेक्स्ट यार, किस शहर में महिला विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई है। देखो इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करें, वहीं रही जहां पर कि ये भाई वुमेन साइंस कांग्रेस रही है, यूके वुमेन साइंस कांग्रेस वहीं रही जहां पर कि इंडियन साइंस कांग्रेस रही, तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु में। इन बेंगलुरु वुमेन साइंस कांग्रेस वॉज हेल्ड, इन विच सिटी वुमेन साइंस कांग्रेस वॉज हेल्ड, आंसर बनता है इट वॉज हेल्ड इन बेंगलुरु। नेक्स्ट यार, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंक 2013 में 65वीं रैंक से 34वें स्थान पर आ गई है। इंडियाज रैंक इन ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में कितनी आ गई है भाई, 2013 में 65 थी, अब 2013 से ये बढ़कर 34वें स्थान पर आ गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस इंडेक्स को रिलीज किया। सवाल यह है कि इस इंडेक्स को टॉप किस देश ने किया, किस देश के द्वारा इस इंडेक्स को टॉप किया गया, तो स्पेन के द्वारा इसको टॉप किया गया था, किसके द्वारा, स्पेन के द्वारा। अच्छा एक और चीज याद रखनी है स्पेन रिलेटेड, स्पेन की कैपिटल है सर मैड्रिड, और करेंसी यहां पर यूरो चलती है, यूरो यहां पर मुद्रा चलती है। ठीक है, स्पेन ने भी हाल ही में क्या हुआ था, COP25 कॉन्फ्रेंस आपकी स्पेन में रही थी, जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली COP26 की बात करते हैं तो ये कहां पर होगी सर, ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगी, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसको आयोजित किया जाएगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट यार, विरासत और पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने और उन्हें पर्यटन के अनुकूल बनाने के लिए एडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान नामक पहल शुरू की गई।
एक अभी पहल शुरू की गई, इसका नाम है अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। सवाल यहाँ पे ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूरिज्म मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर का नाम क्या है? भाई मनसुख एल मंडाविया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, संतोष गंगावार, भाई लेबर मिनिस्ट्री देख रहे हैं ये, जितेंद्र सिंह, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, हो सकता है प्रहलाद जोशी है, हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल। अब कौन है यहाँ पर, प्रहलाद जोशी का कोयल माइंस देख रहे हैं मे बी बट, और प्रहलाद सिंह पटेल कौन यहाँ पर, एग्जैक्ट नेम किनका है, प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल, बहुत बढ़िया। तो अपना आंसर बनता है यहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल इज अ टूरिज्म मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर का नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट यार, फ्लोरेंस नाइटिंगल की 200वीं जयंती के सम्मान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ का वर्ष के रूप में नामित किया, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इन द ऑनर ऑफ 200 भाई 200वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगल, जिन्हें कि मॉडर्न नर्सिंग का जनक कहा जाता है, इनके लिए अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑनर दिया है, कहा है कि 2020 को वो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाएंगे। सवाल यहाँ पर कुछ अलग है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन जिनेवा, जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। भाई WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट दोस्त, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? डेफिनेटली यार ये भी सवाल बन सकता है कि इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई को ऑब्जर्व करते हैं, 12 मई को प्रत्येक वर्ष हम लोग इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाते हैं। दोस्त क्लियर आ रहा, पसंद है तो प्लीज लाइक भी करते चलना, लाइक करते चलना दोस्त, ठीक है। मालवत पूर्णा ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मालवत पूर्णा ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विंसन मासिव को चढ़कर एक और उपलब्धि हासिल की। मालवत पूर्णा अकम्प्लिस्ड अनदर फीट बाय कॉन्करिंग माउंट विंसन मैसिव, अंटार्कटिका की ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है 4987 मीटर, एंड शी इज फ्रॉम विच स्टेट, मालवत पूर्णा इज फ्रॉम विच स्टेट, मालवत पूर्णा किस राज्य से है? हरी अब गाइस फटाफट से बताइए, मालवत पूर्णा, मालवत पूर्णा ये किस राज्य से है, मालवत पूर्णा बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो यहां पर तो आंसर आ रहा है कि शी इज फ्रॉम तेलंगाना, बट मैं एक बार देख लेता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभी रिसेंटली पूछा गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, जो नोबेल प्राइज जिनको दिया गया था मेरे भाई इकोनॉमिक्स में, उनका नाम तो ना पूछते, उन्होंने उनका नेम गिवन था, पूछा किस शहर से हैं वो, इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बॉर्न इन निजामगढ़, अभी निजामगढ़ एक बार और सर्च कर लेते हैं, निजामगढ़ किस राज्य में है, किस राज्य में निजामगढ़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना। सो गाइस आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन, शी इज फ्रॉम तेलंगाना, ये कहाँ से है, तेलंगाना से है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, ये कहाँ से, तेलंगाना से, तेलंगाना से। नेक्स्ट, किस देश के कमांडर की मौत अमेरिकी हवाई हमले में, ओके यहाँ पर यह है, किस देश के कमांडर कासिम सुलेमानी, कासिम सुलेमानी की मौत अमेरिकी हवाई हमले में हुई है, विच कंट्रीज कमांडर कासिम सुलेमानी किल्ड इन यूएस एयर स्ट्राइक, गाइस आंसर बनता है ऑप्शन नंबर फिफ्थ, ईरान, ईरान के ये कमांडर थे जिनके अभी भाई यूएस की जो स्ट्राइक रही थी, एयर स्ट्राइक रही थी, उसमें इनका निधन हो गया। एक और सवाल बनेगा यहाँ पर, किसे इनकी जगह ईरान के नए कमांडर के रूप में नामित किया गया, तो इनका नाम बनता है इस्माइल कैनी, इस्माइल कैनी हैज बीन नेम्ड न्यू कमांडर ऑफ ईरान, न्यू कमांडर ऑफ ईरान कौन बने, इस्माइल कैनी, इस्माइल कैनी। नेक्स्ट दोस्त, ये बैच ही है, नेक्स्ट ईयर आगे, इन विच स्टेट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में हम लोग, किस राज्य में हर साल 6 जनवरी को दिवंगत तपस्वी पत्रकार बाल शास्त्री जांबेकर की याद में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन विच स्टेट 6 जनवरी एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज जर्नलिस्ट डे इन द मेमोरी ऑफ लेट थेस्पियन जर्नलिस्ट बाल शास्त्री जांबेकर। भाई बाल शास्त्री जांबेकर की याद में कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को जर्नलिस्ट डे के रूप में बनाता है, आंसर बनता है महाराष्ट्र राज्य सरकार, कौन सा राज्य सरकार दोस्त, महाराष्ट्र राज्य सरकार। आई होप सो गाइस यहां तक क्लियर होगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार। नेक्स्ट, कौन सा राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, गाइस आंसर बनता है केरल, केरल राज्य सरकार। विजय मृतम और सहचरी, भाई रट लेना, विजय मृतम और सहचरी दो योजना है, विजय मृतम और दूसरी सहचरी, विजय मृतम और दूसरी सहचरी, ये योजना है किसकी, केरल की। अभी वेस्ट बंगाल ने भी दो स्कीम लॉन्च की थी, एक स्कीम इसकी रही थी चा सुंदरी और एक रही थी मेरे भाई बंगश्री योजना। तो याद रखना चा सुंदरी किसकी और बंगश्री किसकी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, दो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई स्कीम है। नेक्स्ट,
निजी तौर पर संचालित आईआरसीटीसी की प्रीमियम दूरी की तेजस ट्रेन किस रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी? सेकंड, प्राइवेटली ऑपरेटेड आईआरसीटीसी प्रीमियम तेजस ट्रेन विल फ्लाई बिटवीन विच रेलवे स्टेशन? ऑलरेडी भाई इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया। पहली तेजस ट्रेन की बात करते हैं तो ये है लखनऊ दिल्ली रूट पे, लखनऊ दिल्ली रूट पे। दूसरी तेजस ट्रेन किस रूट पर है? अहमदाबाद मुंबई। और तीसरी किस रूट पर है? इंदौर एंड वाराणसी, इंदौर एंड वाराणसी। और अभी जो अभी एक अग्रीमेंट हुआ है उसके लिए किस रूट के लिए हुआ है? ये दिल्ली टू न्यू दिल्ली टू देहरादून, दिल्ली टू देहरादून के लिए रूट पर भी अब तेजस ट्रेन चलाई जाएगी। जो लेकिन तीसरे जो चलाई गई इंदौर वाराणसी पर, ये काशी महाकाल एक्सप्रेस चलाई गई, काशी महाकाल एक्सप्रेस। ये चारों कॉर्पोरेट ट्रेन है, चारों ही कॉर्पोरेट ट्रेन है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। भाई लाइक कर दो यार, 846 चल रहा है, 1000 तो कर दो लाइक कम से कम। नेक्स्ट यार, किसको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? गाइस आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, एचके जोशी साहब को। एचके जोशी साहब हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड चेयरपर्सन या सीएमडी ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यार, किस देश में विश्व के सबसे पुराने गैंडा फाउस्टा की मृत्यु हो गई? इन विच कंट्री वर्ल्ड ओल्डेस्ट राइनो फाउस्टा हैज बीन डाइड? गाइस आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3, तंजानिया में। तंजानिया, तंजानिया की कैपिटल क्या सर? डोडोमा। करेंसी यहां पर शिलिंग चलती है, शिलिंग चलती है। अभी 8 देशों ने अपनी मुद्रा फ्रैंक से इको कर दी है और उनमें से 4 नाम है बुर्किना फासो, नाइजर, गिनी बिसाउ और सेनेगल। सेनेगल की कैपिटल डकार है, करेंसी इको। गिनी बिसाउ की कैपिटल बिसाउ है, करेंसी इको। नाइजर की कैपिटल नाइमी है, करेंसी इको। बुर्किना फासो की कैपिटल ओगाडुगू, करेंसी इको चलती है। और नाइजर में अभी हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एच जयशंकर साहब के द्वारा महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ओपन किया गया, महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया, ये ओपन किया गया है। क्लियर होना चाहिए, दो दो माह इस तरीके से याद रखना, दो माह। नेक्स्ट यार, किस राज्य सरकार ने उन महिलाओं को प्रतिवर्ष 6000 की पेंशन देगी? यूं कहें, कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को प्रतिवर्ष 6000 रुपए पेंशन देगी जिन्हें उनके पति के द्वारा ट्रिपल तलाक दिया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव एन एनुअल पेंशन ऑफ ₹6000 टू वुमेन हु हैव बीन गिवन ट्रिपल तलाक बाय देयर हस्बैंड्स? ओके, टोगो की कैपिटल लोम है, करेंसी वहां पर भी इको चलती है। अब बेनिन की कैपिटल पोर्ट नोवो है, करेंसी भी वहां पर इको चलती है। और भी 2 देश और है। सेनेगल की कैपिटल डकार है, करेंसी वहां पर भी इको चलती है। सो गाइस आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नहीं, यहां पर आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य की यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट ईयर, प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में भारत राज्य वन रिपोर्ट जारी किया। देश का कुल वन और वृक्ष अच्छादन 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। प्रकाश जावड़ेकर जो कि एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, इन्होंने अभी हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज की, कहां पर? नई दिल्ली में। इसमें बताया गया कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, दोनों मेरे भाई फॉरेस्ट और ट्री दोनों है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ अ कंट्री इज 80.73 मिलियन हेक्टेयर। ये एग्जाम में आ गया सवाल, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। ये पूछा गया कि इट इज अ ज्योग्राफिकल, ये ज्योग्राफिकल एरिया का कितने प्रतिशत है। ये 24.56%, बहुत बढ़िया, 24.56% अपना राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट यार, किस शहर में नीतीश कुमार ने दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया? तो इन विच सिटी नीतीश कुमार अनवील स्टैचू ऑफ अरुण जेटली ऑन लेट बीजेपी लीडर बर्थ एनिवर्सरी? गाइज इट इज अनवील्ड इन पटना, इसको अनवील किया गया था कहां पर? पटना में मेरे भाई इसको अनवील किया गया था, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, कहां पर अनवील किया गया? पटना में इसको अनवील किया गया था, पटना में मेरे भाई। आईबीपीएस क्लर्क में ये सवाल पूछा गया था, हाँ मेरे भाई आईबीपीएस क्लर्क में मेंस में पूछा गया था, वो अभी फॉरेस्ट वाला। नेक्स्ट दोस्त, किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया? हु रिलीज द बुक कर्म योद्धा ग्रंथ रिटन ऑन द लाइफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? जहां तक मुझे लगता है एग्जाम में इसका नाम पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लाइफ के ऊपर अभी एक किताब लिखी गई है, उसका नाम क्या है? तो कर्म योद्धा ग्रंथ इसका नाम है। एंड इट इज रिलीज बाय अमित शाह, इसको अमित शाह के द्वारा रिलीज किया गया था। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। प्यार का पौधा भी, हाँ ये तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, अभी एक इनिशिएटिव लिया गया था, प्लांट फॉर प्लास्टिक असम ने लिया था, एंड
प्लांट ऑफ लव था बेसिकली, प्यार का पौधा एक है इनिशिएटिव। ये पहल किसने शुरू की थी, ये पहल शुरू यार ये आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है वैलेंटाइन डे से पहले एक दिन पहले इसको लॉन्च किया गया था, और बेसिकली ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। किस राज्य में ऊपरी सियांग जिले में मिमिंग टुडिंग रोड पर एक रबंग पुल का उद्घाटन किया गया। इन विच स्टेट रबंग ब्रिज ऑन द मिगिंग टूटिंग रोड इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट वॉज इनॉग्रेटेड। अभी किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया ये भी आ सकता है, तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही में एक रबंग ब्रिज का जो मिमिंग टूटिंग रोड है उसके ऊपर इनॉग्रेट किया गया है। सवाल यह है कि यह किस स्टेट में किया गया, तो जवाब बनता अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्लांट फॉर प्लास्टिक असम है, प्यार का पौधा ये भाई बिहार है। असम में दो बच्चों से ज्यादा होने पर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ये भी वहीं का है। अपूनर अपूघर स्कीम भी असम की है, अरुंधति स्कीम भी असम की है, ठीक है, अभिनंदन स्कीम भी असम की है। नेक्स्ट यार, किस राज्य सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आदिवासी कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वॉर रूम स्थापित किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप वॉर रूम टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम। ट्राइबल वेलफेयर जितनी भी योजना, आदिवासी कल्याण की जितनी भी योजना, उनको बेहतर तरीके से किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया। अब ये वॉर रूम कौन सी राज्य सरकार बना रही, जहां तक मुझे याद है महाराष्ट्र है, जहां तक मुझे याद है मेरे भाई महाराष्ट्र है। तो देखते हैं आंसर क्या, यहां पर आंसर भी महाराष्ट्र ही बनता है, महाराष्ट्र राज्य सरकार। नेक्स्ट भाई, किसे बीसीसीआई से प्रतिष्ठित सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। मिला मेरे भाई, किसे या हु रिसीव्ड प्रेस्टीजियस सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम बीसीसीआई। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर अंजुम चोपड़ा। नेक्स्ट यार, किस राज्य में भेल ने नेवेली न्यू थर्मल पावर प्लांट, भाई इंपॉर्टेंट मार्क करना, कि पहली लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट थर्मल इकाई शुरू की है। इन विच स्टेट भेल हैज कमीशन्ड दी फर्स्ट लिग्नाइट बेस्ड 500 मेगावाट थर्मल यूनिट ऑफ नेवेली न्यू थर्मल पावर। गाइज इट इज इनॉग्रेटेड इन, जहां तक मुझे याद है, कुड्डाल और तमिलनाडु। भाई क्लियर है कि नहीं, ये वाला मैं सही हूं कि नहीं। ओके सो गाइस, आंसर बनता है यहाँ पर कुड्डल और तमिलनाडु, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। नेक्स्ट यार, किसने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 जीता। यह किताब जीतने वाली वो पहली एशियाई बनी है। देखो जॉर्ज विनी टुंजी कल ही बताया था, टॉनी एन सिंह भी कल बताया था मैंने आपको, अब ये चुएई हुएसमैन और आयुषी ढोलकिया और सुमन राव, इन तीन में से एक आंसर बनेगा। तो मेरा सवाल आपसे बहुत शांत तरीके से है, इंपॉर्टेंट मार्क करने से हु वॉन ये बेहतर रहेगा। Who has won the Miss Teen International 2019 and she has now become the first Asian to win this title and what is the name of her? उनका नाम क्या है सर, इसका PDF मिलेगा, हाँ PDF description box में मिलेगा, एक बार देखिएगा, अदरवाइज comment box में देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। जब भी वीडियो कंप्लीट हो जाए comment box section में जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको पिन करा हुआ PDF, within half an hour मिल जाएगा आपको ये। सुमन राव या आयुषी ढोलकिया, मैक्सिमम लोग आयुषी ढोलकिया के साथ जा रहे हैं। लेट्स सी, आंसर आयुषी ढोलकिया बनेगा यहाँ पर, आयुषी ढोलकिया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त, हु इज द ऑथर ऑफ बुक श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन गॉडेस। कौन एक पुस्तक श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन देवी के लेखक हैं। गाइस आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर 3 सत्यार्थ नायक इसके लेखक हैं। नेक्स्ट, किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में घोषित किया गया है। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन एज द मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड। बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर, और ये मलाला यूसुफजई, जिनको पीस में नोबेल प्राइज मिल चुका है, उनको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड नामित किया गया, नेक्स्ट यार, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के इलाज के लिए पहला जनता क्लिनिक शुरू किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द फर्स्ट जनता क्लिनिक टू ट्रीट द नीडी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 5 राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान राज्य सरकार ने जो राज्य के कह सकते हैं कि जो व्यक्ति हैं उनके लिए फर्स्ट जनता क्लिनिक स्टार्ट किया, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जनता क्लिनिक स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिल्ली साइकिल वॉक प्रोजेक्ट। किसने दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 अमित शाह ने अभी हाल ही में दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट, भारत के पी मगेश चंद्रन ने इंग्लैंड में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस के 95वें संस्करण
में खिताब जीता है, भाई ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इंडिया के जो पी मगेश चंद्रन है, पी एम चंद्रन है, इन्होंने अभी हाल ही में 95th जो एडिशन रहा था हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस का इंग्लैंड में, वहां पर मेरे भाई टाइटल अपने नाम किया। सवाल यहां पर यह है कि पी मगेश चंद्रन ये किस स्टेट से हैं? पी मगेश चंद्रन इज फ्रॉम विच स्टेट? यहां पर तो यार ये जो शहर बता रहा है वो मदुरई बता रहा है। मदुरई मतलब देखते हैं और आगे क्या है। समटाइम क्या होता है विकीपीडिया भाई, बाहर कुछ लिखा होता अंदर कहीं कुछ और लिखा होता, इसलिए मैं एक दो बार और देख लेता हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर बात करें तमिलनाडु की, बात करें यहाँ पर आंसर देखें तो भाई ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। पी मगेश चंद्रन ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, इससे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। पी मगेश चंद्रन इज फ्रॉम तमिलनाडु। किसको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ जीसी मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब बेसिकली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके जो गवर्नर लेफ्टिनेंट माफ करेगा फसल हो गया यूनियन जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है जीसी मुर्मू, और इनके एडवाइजर कौन बने हैं? तो गाइस आंसर बनता है ऑप्शन नंबर वन, राजीव राय भटनागर। आखिरी सवाल मेरे भाई आज का, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ कर्नाटक एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? कर्नाटक के पूर्व गवर्नर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? गाइस आंसर बनता है ऑप्शन नंबर TN चतुर्वेदी। इनका नाम है TN चतुर्वेदी इनका नाम है। ये रहा आज का सेशन, आई होप सो गाइस सारी चीजें आपके क्लियर रही होंगी। मैं कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा 12 बजे। अभी स्टार्टिंग में देखिए मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया था, अराउंड 25 से 26 न्यूज़ लेकर आया था जो कि मैंने पहले भी डिस्कस नहीं की थी। तो गाइज वो इंक्लूड करने का पर्पज़ यह है कि इट विल बी सिंगल प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप पढ़ते तो कुछ भी चीज़ बाहर ना जाए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा दोस्त, रेगुलर जुड़िएगा, ऐसा ना हो एक दिन आए फिर आप कहें नेक्स्ट टाइम कि भाई सर हमें तो मार्क्स अच्छे चाहिए, तो भाई रेगुलर तो जुड़ना पड़ेगा। बाय द वे हो सकता है कि भाई आप ना जुड़ पाए मेरे साथ लाइव, बट यार प्लीज़ एक बार ऑफलाइन सेशन जरूर देख लीजिएगा। चलते टाइम भाई कहीं पर भी, घूमते टाइम, वॉक करते टाइम कान में ईयरफोन लगा लीजिए, चुपचाप कहीं बैठ जाइए और सेशन को सिर्फ सुन लीजिएगा, उससे भी काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? धुंधला भी याद रहता है ना तो बहुत कुछ आप टिक करके आ जाते हैं कि सर थोड़ा भी याद रहा, टिक तो हो ही जाएगा क्योंकि आंसर तो गिवन होगा। तो गाइस प्लीज़ कोई भी स्ट्रेटजी बनाइएगा बट सेशन को मिस मत करिएगा, क्योंकि 12 बजे मैंने स्टार्ट किया। चाहे RBI हो, चाहे SBI हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC लो, इवन स्टेट लेवल एग्जाम हो, किसी में भी अगर करंट अफेयर आते तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे दोस्त। सेशन पसंद है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके जाइएगा, और जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। एंड गुड बाय, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जब हमने DA247 शुरू किया था तो हमारा एक ही ड्रीम था कि क्वालिटी एजुकेशन को घर घर तक लेकर जाना है। तो इस देश में जो मेट्रो है और जो गांव है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है जिस तरीके की एजुकेशन दी जाती है। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता था, दैट हाउ वी कैन ब्रिज दिस गैप। पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की जॉब लगवाने में हम सफल रहे हैं। 10 करोड़ स्टूडेंट्स का साथ है। अब हम वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में भी आ गए हैं, 8 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी।